Hello children, hope you are doing well. I am Ankita, your AVS teacher. As you know, yesterday I have given you a test. Many of your children solved the test very well. Very good. Keep it up. But those children who have not done the test, please do it now. Okay? So let's see how to solve this test. Your first question was, match the birds with their names. First आपको करके दिखाया हुआ है. Duck matched with duck. Okay? See the second picture. Tell me which bird is this? Yes. Good. It's peacock. See where is peacock? Owl, parrot, pigeon, duck, peacock. Yes. So match this picture with this word peacock. Okay. Come on, this. Which bird is this? Anyone? Good. It's pigeon. See where is pigeon? Owl, parrot, pigeon. Match this picture with this word pigeon. Good. Next is parrot. Good. Match the word parrot with this picture. Owl, parrot. So we will match this picture with the word parrot. Now come on next. It's owl. Match this picture with owl. See where is owl? First, second, third, fourth, fifth. Tell me. Good. It's on first number. We will match the owl with our word. Okay. Good. Come on. Your next question was, bird names word scramble. आपके सामने कुछ वर्ड्स दिए हैं बट ये स्क्रैम्बल किए हुए हैं. आपको इनको अनस्क्रैम्बल करके जो पिक्चर आपको दिख रही है उस बर्ड का नाम आपको यहाँ लिखना है. सी विच बर्ड इज दिस? गुड, पैरेट. राइट द स्पेलिंग ऑफ पैरेट. पी ए डबल आर आर R O T. Good. Come on this picture. Tell me which bird is this? Good. It's owl. O W L. Owl. Now come on this picture. Which bird is this? Good. This is eagle. Write the spelling of eagle. E A G L E. Very good. Come on, next picture. Tell me. Which bird is this? Yes, anyone? Good. It's crow. C R O W. Crow. Now come on next picture. Which bird is this? Good. Duck. D U C K. D U C K. Duck. And in this picture and इनके अंदर आपके एक मिस्टेक थी जिनमें N डबल लिखा हुआ था जहाँ पे C डबल आएगा. ओके, बहुत सारे बच्चों ने यह मिस्टेक की थी.
चिकन, गलत स्पेलिंग लिखी बट कुछ बच्चों ने अपने आप ही इसको अच्छे से किया. गुड, नाउ वी विल राइट चिकन. सी एच आई सी के ई एन, चिकन. दिस बर्ड इज न्यू फॉर यू. काफ़ी बच्चों ने इसको गलत किया बट नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम आप गलत नहीं करेंगे, आई एम श्योर. सो दिस बर्ड इज कार्डिनल, सी ए आर डी आई एन ए एल, कार्डिनल. ओके, कम ऑन दिस बर्ड. Do you remember flamingo test in SBSP? क्लास में भी आपने किया था वन लेग पे खड़े होकर के. इसी तरह से ये बर्ड भी वन लेग पे खड़ा है, तो इस बर्ड के नेम से ही हमारा वो टेस्ट बना था जो आप लोगों ने क्लास में किया था. सो ये जो है आपका बर्ड फ्लेमिंगो, F L A M I N G ओ, फ्लेमिंगो. ओके, जिन्होंने अच्छे से किया गुड, जिन्होंने नहीं किया अपनी गलती नोट करेंगे कॉपी में, उसको 5 टाइम अच्छे से लिखेंगे फिर उसको याद करेंगे. ओके, कम ऑन नेक्स्ट पेज. यस, इन दिस क्वेश्चन आपको मिसिंग वर्ड्स लिखने हैं. आपके सामने कुछ पिक्चर्स दी हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं बट बीच में अल्फ़ाबेट्स आपके मिसिंग है, जो आपको पिक्चर देख करके बर्ड का नेम फुल लिखना है. ओके, फर्स्ट इज विच बर्ड इज दिस. गुड, दिस इज कीवी. कीवी फ्रूट भी होता है, काफ़ी बच्चों ने खाया भी होगा, और कीवी बर्ड भी होता है. के आई डब्ल्यू आई, कीवी. कम ऑन नेक्स्ट बर्ड, विच बर्ड इज दिस. यस, इट्स पेंगुइन. पेंगुइन ऐसा बर्ड है जो फ्लाई नहीं कर सकता क्योंकि इसका वेट बहुत ही भारी होता है, बट ये पानी के अंदर बहुत तैरता है. सो राइट द स्पेलिंग, पेंगुइन, पी ई एन. जिस तरह से पेन की स्पेलिंग होती है हम लिखते हैं पी ई एन, बट काफ़ी बच्चों ने पी ए एन किया हुआ था, सो बी केयरफुल इन द फ्यूचर, राइट पी ई एन. एंड नेक्स्ट अल्फाबेट इज जी, पेंगुइन, जी यू आई एन, पेंगुइन. कम ऑन नेक्स्ट पिक्चर, विच बर्ड इज दिस. यस, क्रो, सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो. ओके, विच बर्ड इज दिस. काफ़ी बच्चों ने इसको सेम छोड़ दिया खाली. दिस इज ऑस्ट्रिच, सबसे बड़ा. स्पेलिंग लिखेंगे ओ एस टी आर आई सी एच, ऑस्ट्रिच. और ये बर्ड भी फ्लाई नहीं कर सकता. कम ऑन नेक्स्ट बर्ड, दिस इज, टेल मी विच बर्ड इज दिस, जो वाटर के अंदर है. गुड, डक, डी यू सी के, डक. ओके, एंड आई थिंक यू ऑल नो विच बर्ड इज दिस. इट्स अ नेशनल बर्ड, पीकॉक, पी ई ए सी ओ सी के, पीकॉक. एंड दिस बर्ड, गुड, ईगल, ई ए जी एल ई, गुड. काफ़ी बच्चों ने ईगल की स्पेलिंग में मिस्टेक की थी बट आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे. कम ऑन नेक्स्ट पिक्चर, विच बर्ड इज दिस, टेल मी. गुड, दिस इज पैरेट एंड द कलर ऑफ दिस पैरेट इज रेड. राइट द स्पेलिंग ऑफ पैरेट, पी ए, ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है,
PAROT, पैरेट. ओके, ये था आपका थर्ड पेज. नाउ कम ऑन लास्ट पेज एंड आई थिंक फॉर यू इट्स मोस्ट डिफिकल्ट पेज, क्योंकि इसमें आपको कोई हिंट नहीं दिया गया है, सिर्फ पिक्चर दी है. आपको उन बर्ड्स का नेम अपने आप लिखना है. बट आई होप आपने चीटिंग नहीं की होगी पीछे से, और ऐसा करना भी नहीं है कि यहाँ पीछे देख करके आपको नहीं लिखना है. आपको सिर्फ यहाँ से सीधे आंसर्स आपको लिखने हैं, और आई थिंक आपने लिखे भी होंगे. ओके, सो वी विल राइट द स्पेलिंग ऑफ फर्स्ट बर्ड. विच बर्ड इज दिस? यस, टेल मी. गुड, पिजन. पी आई जी ई ओ एन. काफ़ी बच्चों ने पिजन की स्पेलिंग मिस्टेक की थी, बट आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम तुम नहीं करोगे ऐसा. यू विल राइट करेक्ट स्पेलिंग. कम ऑन नेक्स्ट पिक्चर. दिस इज, विच बर्ड इज दिस? आई थिंक इट्स न्यू फॉर यू. दिस इज वुडपैकर. जो जैसे ये आपकी वुड है, स्टेम है किसी ट्री का, जिसमें ये ऐसे ऐसे अपने पीक को लगाता है और इसके अंदर होल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं वुड पैकर. पी ई सी के ई आर, वुड पैकर. ओके, कम ऑन नेक्स्ट. आई थिंक यू ऑल नो विच बर्ड इज दिस. गुड, आउल. ओ डब्ल्यू एल, आउल. एंड कम ऑन नेक्स्ट पिक्चर. विच बर्ड इज दिस? गुड, दिस इज डक. टी यू सी के, डक. एंड दिस इज, काफ़ी बच्चों ने इस बर्ड में एंड इस बर्ड में सेम लिखा है. ये भी ईगल, ये भी ईगल. एक बच्चे ने इसको ग्रूड लिखा. अच्छा लिखा आपने, इंग्लिश नहीं आई, कोई बात नहीं. बट दोनों को मिक्स नहीं करना है. इसको भी आपने ईगल लिखा, वो नहीं करना है. ओके, दिस इज ईगल एंड दिस बर्ड इज वल्चर. ओके, सो कम ऑन दिस बर्ड. विच बर्ड इज दिस? ईगल. यस, राइट द स्पेलिंग ऑफ ईगल. ई ए जी एल ई, ईगल. एंड दिस लिटिल बर्ड इज स्पैरो. एस पी ए डबल आर ओ डब्ल्यू, स्पैरो. ओके, कम ऑन नेक्स्ट पिक्चर. दिस बर्ड इज, यस टेल मी. गुड, इट्स पैरेट. पी ए डबल आर ओ टी, पैरेट. एंड दिस बर्ड, जिसमें डबल एन मिस्टेक थी. गुड, यू कैन राइट हैन. चिकन भी आप लिख सकते हैं. सी एच आई सी के ई एन. ओके, नेक्स्ट कम ऑन दिस पिक्चर. एज आई सैड, दिस इज वल्चर. वी यू एल टी यू आर ई, वल्चर. ओके, कुछ बच्चों ने चील लिखा है, दैट इज काइट. वो अलग है, आप इसको लिखेंगे वल्चर. एंड आर लास्ट बर्ड इज, जो पीछे वाले पेज में सबसे फर्स्ट था. ओके, द स्पेलिंग ऑफ कीवी इज के आई डब्ल्यू आई. और जैसा मैंने पहले बताया, कीवी एक फ्रूट भी होता है. आई थिंक आप लोगों ने खाया है फ्रूट. ओके चिल्ड्रन, आई होप यू एंजॉय दिस टेस्ट.
आप इसको बार बार देखेंगे और आप इस बार आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे. ओके, वेरी सून वी विल मीट विद न्यू टॉपिक. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.